तो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को आखिरकार पैरोल मिल गई है। पैरोल एक हफ्ते की मिली है। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक हफ्ते की पैरोल को मंजूरी दे दी है। ओम प्रकाश चौटाला को एक हफ्ते की पैरोल मिली है। चार हफ्ते की पैरोल मांगी जा रही थी, लेकिन अपने पोते अर्जुन की सगाई को आधार बनाकर ये पैरोल मांगी गई थी। चार हफ्ते की पैरोल मांगी गई थी, लेकिन एक हफ्ते की पैरोल मिल गई है ओम प्रकाश चौटाला को। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को एक हफ्ते की पैरोल मिल गई है। हमारी सहयोगी सुचित्रा मुखर्जी हमारे साथ जुड़ रही हैं। सुचित्रा, ओम प्रकाश चौटाला को आखिरकार एक हफ्ते की पैरोल मिली है, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए ओपी चौटाला की जहाँ तक बात है, उन्होंने चार सप्ताह की पैरोल मांगी थी अपने पोते की सगाई में शामिल होने के लिए, जो कि 18 जुलाई को है। तो उसके बाद कोर्ट ने कल इस मामले में सुनवाई हुई थी, तो कोर्ट ने इस मामले में दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया था और स्टेटस रिपोर्ट सौंपने के लिए बोला गया था, क्योंकि जो ये दलीलें यानी कि जो कहा गया है वो सही है या नहीं उसकी पुष्टि करने के लिए। उसके बाद आज कोर्ट ने तमाम चीजें सही पाई हैं, तो कोर्ट ने जो ओपी चौटाला है उनको चार हफ्ते की, हालांकि उन्होंने पैरोल मांगी थी, लेकिन उनके एक हफ्ते की पैरोली कोर्ट ने मंजूर की है। 50,000 के निजी और पर्सनल जो श्योरिटी बॉन्ड है उसका जो मुचलका है वो भरना पड़ा है। तो फिलहाल कह सकते कि एक राहत की खबर है कि उन्होंने चार हफ्ते की पैरोल जरूर मांगी थी, लेकिन एक हफ्ते की कोर्ट ने मंजूर कर ली है। सुचित्रा, जेल से कब तक बाहर आ पाएंगे ओम प्रकाश चौटाला? देखिए 18 जुलाई का ये प्रोग्राम है, अगर पैरोल की बात करें तो 18 जुलाई का कार्यक्रम है, तो उससे पहले ही निश्चित तौर पर एक प्रोसीजर होगा, प्रक्रिया के तहत उनका तमाम चीजें कंप्लीट हो जाएंगी, उसके बाद वो जेल से बाहर आएंगे और एक हफ्ता उनको उसी बीच मिलेगा। या तो हो सकता है कि वो बिल्कुल 18 तारीख के पहले पहले ही उनको ग्रांट किया जाए, तो ये देखना होगा, ये एक प्रोसीजर के तहत है, तो इस पे बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता।